सब्सक्राइब कीजिए टेलरिंग इन हिंदी चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन के लिए हमने ये बुकरम ली है। उसकी चौड़ाई है 12 इंच, लंबाई है वो भी 12 इंच है। अब हम इसको डबल करेंगे। की चौड़ाई हम गले की 4 इंच लेंगे। गले की लंबाई हमने 11 इंच ली है। अब हम यहां से इसमें गोल शेप देंगे। ये गले की चौड़ाई हम जो अंदर लगाएंगे उसकी हम 2.5 इंच लेंगे। गले की लंबाई हम 9 इंच लेंगे। जो हमारा अंदर वाला गला होगा उसकी लंबाई हम 9 इंच लेंगे। हम अच्छे से गोलाई दे लें। हमारा अंदर वाला गला कट गया है। अब हम इसके बाहर जो गला लगाएंगे वो हमारी ए वाली लंबाई होगी 9 इंच की। अब हम एक चौकुटे कपड़े पे ए बुकरम को रख के सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे हम ये सुई लगा देंगे जिससे हमारी डिजाइन बराबर रहे। हमने कपड़े पे पैक कर लिया है। अब हम इसको डबल करके बराबर यहाँ से बीच में कैंची का कट लगाएंगे। इसी तरीके से पीछे के पल्लर में भी यहाँ पे कट लगाएंगे। अब हम दोनों कटों को बराबर मिला के यहाँ पे भी हम सुई लगा देंगे जिससे हमारी डिजाइन बराबर रहे। अब हम बुकरम के बगली से सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पे हल्का कैंची का कट लगाएंगे तो हमें डिजाइन पलटने में आसानी होगी। ये हमने पेचकस से ये डिजाइन को पलट लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई। अब हमारा ये जो अंदर वाला गला है इस पे हम इसको हम पैक करेंगे। ये हमने काले कलर का कपड़ा लिया है, इसके नीचे बुकरम के नीचे हमने गले के नीचे ये कपड़े को रख के इस पे गोल सिलाई लगाएंगे जैसा हमारा गला कटा हुआ है। अब हम बीच का कपड़ा काटेंगे। इसको हम सीधा करके सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें ये हमारा पाइपिंग का कपड़ा है, गले पे हम पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए हम यहाँ से हल्का हल्का कपड़ा लेके सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी पतली पतली पाइपिंग बनाएंगे। अब हमें कपड़े को अंदर की साइड दबा के ये चुपाई कर लेंगे।
अब हम ये कच्ची सिलाई को हटा देंगे। अब हम इसको डबल करके यहाँ पे बीच में निशान लगाएंगे। ये हमारा जो बीच का डिजाइन है इसको ये निशान से मिला के यहाँ पे हम कच्ची करेंगे। जैसी हमारी डिजाइन है उसी के ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। ये डोरी हमने बना ली है। अब हम इसमें कपड़े के फुंदनी लगाएंगे इस तरीके से डबल करके। ये बन गई हमारे गले की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।